अब इसके अंदर यदि ये सारे प्रोविजंस हैं, बिना डंडे के तो कोई प्रोविजन चलता नहीं है। यदि कोई आदमी इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? हाँ, कंपनी को रुपीज 5 लाख से लेकर रुपीज 25 लाख तक का फाइन है यदि वो कोई वायलेशन करती है, और जो ऑफिसर्स हैं यदि वो कोई वायलेशन करते हैं तो रुपीज 1 लाख टू 5 लाख तक का फाइन है। कंपनी को कितना फाइन है? 1 लाख टू 5 लाख तक। ओके,
तो यहां तक हमने क्या किया, तो ये हमने डिविडेंड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को समझा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पर, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड पर। चलो कर लो, आप नोट किए। ये हमारा हो गया, ये जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड है ये दिया हुआ है न्यू कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 125। हाँ, सेक्शन 125। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके, अब ये जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड है ये कौन मैनेज करता है, किसने बनाया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर फंड कहां कहां से आते हैं, तो फंड्स इसके लिए सबसे पहले आता है जो ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर एप्रोप्रिएशन फ्रॉम पार्लियामेंट से, जो बजट है बजट में जो ग्रांट एलोकेट होती हैं या जो एप्रोप्रिएशन होता है एक तो वहां से आता है, दूसरा डोनेशन, डोनेशन आता है, डोनेशन कहां से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कंपनी से एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तीसरा क्या होता है, कोई इंपर्सोनेशन करता है यानी बेनामी नाम में शेयर्स सिक्योरिटीज एटसेट्रा लेता है। हाँ जी, इंपर्सोनेशन करता है तो ठीक है, तो सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट क्या कहता है, ये सारे शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं और इसकी अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है कहां पर, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है इस इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के में। उसके अलावा ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है प्लस अनक्लेम्ड इंटरेस्ट है प्लस अनक्लेम्ड शेयर्स हैं प्लस अनक्लेम्ड डिपॉजिट है प्लस अनक्लेम्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है,
ये सब भी कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में। और क्या क्या इसके अंदर ट्रांसफर होता है? हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या इसमें ट्रांसफर होता है? पुराने एक्ट के हिसाब से जितना पैसा जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पड़ा हुआ है, या पुराना अनक्लेम डिविडेंड है पुराने एक्ट का, पुराना जनरल रेवेन्यू अकाउंट पड़ा हुआ है, पुराना जो है ना कंपनी एक्ट 205 ए, कंपनी एक्ट 1956 का, या अनक्लेम डिविडेंड पुराना पड़ा हुआ है कंपनी एक्ट 1956 का 205C का। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन बनी पड़ी हुई, शेयर शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट फॉर रिफंड, काफी वर्षों से पड़ी हुई है, तो ये सब भी इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अलावा मैच्योर डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट मैच्योर हो चुके हैं प्लस उन पर इंटरेस्ट प्लस अदर इनकम प्लस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अनक्लेम्ड, ये सब कुछ पैसा कहां चला जाएगा? ओके, ये सब चीजें तब जाएंगी जब ये सारी चीजें 7 इयर्स के लिए। इसके अलावा क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन शेयर्स होते हैं, फ्रैक्शन मर्जर के केस में, बोनस के केस में, कंसोलिडेशन एटसेट्रा के केस में, इन सब केस में फ्रैक्शन के शेयर्स हैं, और वो फ्रैक्शन के शेयर किसी ने क्लेम नहीं किए और कंपनी ने बेचे और उससे पैसा मिल गया गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट और प्रोवाइड करे, ये एनी अदर अमाउंट, ये सारी अमाउंट किस में जाती है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ओके, अब ये जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में इतना सारा पैसा आएगा, इस पैसे का होगा क्या? इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, इसके लिए जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसेज विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और अदर वेरियस कॉर्पोरेट जो भी बॉडीज हैं, उनके साथ साथ बीच बीच में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसेज की जाती हैं और इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं इस पैसे से। इस पैसे को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। तो इसके लिए क्या है, पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी टू मैनेज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईईएफ के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करके एक अथॉरिटी बनाएगी। क्या बनाएगी? आईईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक एनी अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ठीक है। इसी अथॉरिटी को क्या काम होंगे? इस अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिफंड, ओके। ये अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट रूल बना सकती है, मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्टर होगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, रूल बना सकती है और प्रोवाइड करा सकती है ऑफिस स्पेस, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एंड अदर फैसिलिटीज, जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है। ये सारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, इसमें क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो चेयरपर्सन बनाएगी, चेयरपर्सन प्लस लेस देन और इक्वल टू अप टू 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। और साथ में सीईओ एक अपॉइंट कर सकती है, ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट रखेंगे, बैंक अकाउंट क्या होगा इनका? सेपरेट होगा, तो ये सारा काम ये करेंगे विद कंसेंट ऑफ कंट्रोलर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड सी एंड एजी से कंसल्ट करके काम करेंगे। ओके, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा किसके बारे में? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कुछ प्रोविजंस सेक्शन 126 के बारे में। हाँ जी, सेक्शन 126 क्या कहता है कि यदि मान लो कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पेंडिंग है, मान लो आपने शेयर खरीदे, आजकल तो क्या डीमैट है साथ ही साथ हो जाता है, लेकिन मान लो आपने शेयर खरीदे और वो शेयर अभी तक आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है। तो जब तक ये पेंडिंग है तो चाहे डिविडेंड हो, चाहे राइट शेयर हो, चाहे बोनस शेयर है,
ये सब एवियंस में रहेंगे। तो डिविडेंड को क्या करेंगे, या तो ट्रांसफरर लिख के दे, रिटर्न में लिख के दे कि भाई ट्रांसफरी को दे दो, तब तो दे सकती है कंपनी, अदरवाइज आईपीएफ, अदरवाइज इन्वेस्ट अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देगी। यदि ये लिख के दे देता है इसके में, नहीं तो अनक्लेम्ड में। और ये सारी चीजें एवियंस में रहेंगी। ओके, ये आपका जब तक एवियंस में रहेंगी, जब तक कि मामला कोई फाइनल नहीं हो जाता। हाँ जी, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। अब आप समझिए, यदि ये जो है डिविडेंड आपने डिक्लेयर तो कर दिया और आप डिस्ट्रीब्यूट करने में, अभी तक तो हमने पेनल्टी बताई थी 5 लाख से 25 लाख और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की, ये पेनल्टी हमने किस लिए बताई थी, यदि कोई भी रूल्स रेगुलेशन ट्रांसफर रिजर्व से रिलेटेड आपने कंप्लाई नहीं किए। अब आता है सेक्शन 127। सेक्शन 127 क्या कहता है, सेक्शन 127 कहता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, पनिशमेंट ऑफ फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर या तो आपने नॉट पेड, डिविडेंड वारंट नॉट इश्यूड, नॉट पेड डिविडेंड वारंट नॉट इश्यूड, और ये जो भी डायरेक्टर्स नोइंगली ये करते हैं तो उनको क्या होगा, 2 साल से लेकर 3 साल तक की तो जरा जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, प्लस जितने दिन डील करेंगे ₹2000 पर डे का फाइन, 2 से 3 साल तक की जेल हो सकती है, और 1000 रुपीज पर डे का फाइन होगा, और साथ में जितना डिले करोगे 18% ब्याज भी देनी पड़ेगी, 18% इंटरेस्ट। आज ये बात समझ में आई कुछ? यस। ये बात आपको समझ में आ रही? अब इसके एक्सेप्शन क्या क्या है, इसके एक्सेप्शन एक
सर सर ने कि यदि किसी लॉ की वजह से इट कुड नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, मान लो एनआरआई है या बाहर फॉरेन में रहता है, बाहर पैसा भेजना है, फेमा की परमिशन नहीं मिली, फेमा की रेस्ट्रिक्शन है, या किसी भी लॉ या ऑपरेशन की वजह से, ठीक है, या कोई शेयर होल्डर डायरेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर डायरेक्शन दिया शेयर होल्डर ने कि भाई बैंक को दीजिए, हमारा पेमेंट बैंक को दे दीजिए, और दिस कुड नॉट बी कंप्लाइड, ये डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हो सकता, और ये डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड, ये हमने कम्युनिकेट भी कर दिया है, कम्युनिकेटेड टू शेयर होल्डर्स, तब भी हम बच जाएंगे, ओके, या देयर इज ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट है राइट टू रिसीव के बारे में कि ए रिसीव करेगा या बी रिसीव करेगा, इसके बारे में डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट की वजह से नहीं दिया गया, या कोई और ड्यूज था शेयर होल्डर्स का और वो लॉफुली उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, लॉफुली एडजस्टेड, ठीक है, और नेक्स्ट इज और एनी अदर रीजन, कोई और रीजन था और इट इज प्रूव्ड दैट देर इज नो डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी पार्टी की तरफ से कोई भी डिफॉल्ट नहीं था, ये ठीक है, डिक्लेरेशन का रूल हमने आपको बता ही दिया था कि भाई डिक्लेरेशन का जो रूल था वो रूल क्या कहता था कि यदि कंपनी में लॉस है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पिछले 3 सालों वाला एवरेज चलेगा, लेकिन जो जिस कंपनी के अभी 3 साल पूरे ही नहीं हुए हैं या जिस कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, मान लो कंपनी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है 2005 के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2006 के अंदर 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2009 के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2010 के अंदर 2016 तक प्रॉफिट हो गया उसको 500 लाख का, अब 2017 में नो प्रॉफिट, अब वो डिविडेंड देना चाहती है, तो आज तक कभी उसने डिविडेंड नहीं दिया, इस केस में वो डिविडेंड ना देने वाला रूल कि भाई एवरेज ऑफ द प्रॉफिट लागू नहीं होगा। आप कहोगे ये कैसी बात है, जब जब प्रॉफिट हुआ तब तो उसने दिया नहीं, अब प्रॉफिट नहीं हो रहा तब दे रहा है, तो हर कंडीशन हो सकती है, तो लॉ एवरी हर तरह की सिचुएशन प्रिस्क्राइब करके चलता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े प्रोसीजर रूल बताता हूं,
तो भाई ये डिवीजन दिया कैसे जा सकता है। तो प्रोसीजर प्रोसीजर आप समझिए। हाँ जी कहाँ गया यार। समझे प्रोसीजर क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे लेकिन डिविडेंड कब दिया जाएगा। ओनली आफ्टर अप्रूवल इन एजीएम। एजीएम में अप्रूवल के बाद ही डिविडेंड दिया जा सकता है। ओके अब जहां अकाउंट्स एडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, अकाउंट्स एडॉप्ट होंगे तभी डिविडेंड। बिना अकाउंट्स एडॉप्ट के डिविडेंड नहीं होगा। ये जो डिविडेंड है वंस डिक्लेयर्ड ये दैट हो जाता है एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड कांट बी रिवर्स्ड। ये केवल रिवर्स कब हो सकता है विद द परमिशन ऑफ इट कांट बी रिवर्स्ड। रिवर्स क्या होगा एक्सेप्ट जीएम। जनरल मीटिंग के बिना ये रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स कब होगा केवल जनरल मीटिंग ही इसको रिवर्स कर सकती है अदरवाइज ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है ओके। अब नेक्स्ट आप समझिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कि ये जो डिविडेंड है ये पेड किस दिन माना जाएगा। जिस दिन आपने डिक्लेयर किया या जिस दिन बैंक में ट्रांसफर कर दिया आपके यहां से तो गया तो किस दिन माना जाएगा। तो ये लॉ कहता है डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड declared will be deemed to be paid on the date of posting of dividend warrant। जिस दिन डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाएगा उसी दिन ये डिक्लेयर माना जाएगा। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आपको इज टू बी पेड बिफोर इक्विटी शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज टू बी पेड बिफोर इक्विटी शेयर डिविडेंड। ओके अब कोई अनऑथोराइज्ड रिसीपिएंट है। अनऑथोराइज्ड रिसीपिएंट अनऑथोराइज्ड रिसीपिएंट इज लायबल टू रीपे। आपको डिविडेंड नहीं मिलना था गलती से आपको आ गया
तो उस आदमी को क्या करना होगा, वापस करना होगा, ही हैज टू रिफंड. ओके, शेड्यूल थर्ड जो आजकल पहले शेड्यूल सिक्स थी उसकी जगह बैलेंस शीट पी एंड एल किसमें बनाने पड़ते हैं, शेड्यूल थर्ड. शेड्यूल थर्ड कहती है इट इज टू बी डिस्क्लोज. कैसे डिस्क्लोज करना है? ओके, प्रपोज डिविडेंड इज टू बी डिस्क्लोज. डिस्क्लोज करना है प्रपोज डिविडेंड, और जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है इसको अदर लाइबिलिटीज की तरह डिक्लेयर करना है. अब AS 4 के अंदर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. AS 4 के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बट टिल AS 4 इज रिवाइज्ड, जब तक रिवाइज नहीं होता है शेड्यूल थर्ड विल प्रिवेल. शेड्यूल थर्ड विल प्रिवेल, ये AS से ऊपर चलेगी शेड्यूल थर्ड, ये प्रिवेल करेगी. ओके, जो डायरेक्टर्स हैं ये पर्सनली गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं डिविडेंड. डिविडेंड्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 and rules 2014. Okay, so now we are in the year 2015. Last year, yani in the year 2014, there were a lot of changes, because last year in 2013 कंपनी एक्ट 2013 आया, उसके बाद में नेक्स्ट रूल्स आए और ये काफी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं. चेंजेस केवल कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं, कई चीजों पर चेंजेस काफी सब्सटेंशियल हैं. तो इस बैकग्राउंड में सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू ऑफ द डिविडेंड के, डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे नए कंपनी एक्ट के रेफरेंस में सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 में इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है. डिविडेंड इंक्लूस इंटरिम डिविडेंड, तो उसको पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे क्या होता है डिविडेंड, डिक्लेरेशन के क्या नियम है और डिविडेंड पेमेंट के क्या नियम है, क्या होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड एंड क्या होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, क्या है राइट्स ऑफ द डिविडेंड डिविडेंड होल्डर्स, उसके अलावा क्या होता है अनपेड डिविडेंड और क्या रूल्स है अनपेड डिविडेंड के, उसके बाद क्या है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और क्या हम पढ़ेंगे कब फंड ट्रांसफर होते हैं अनपेड डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और उसमें से कब पैसा निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें समझते हैं डिविडेंड है क्या. तो ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड ये क्या होता है डिविडेंड, ये एक वर्ड डिविडेंडम से बना है. किससे बना है? डिविडेंडम से. इट इज डिविडेंडम से. डिविडेंडम का मतलब क्या है? थिंग्स
to be divided. Dividendo means things to be divided. Okay. Yani dividend ka matlab ho gaya partition of profit. Yani partition ki jagah aap likhiye portion of, part or portion of profit. Yani ye dividend ka matlab hai profit ka ek hissa. क्या मतलब है डिविडेंड का प्रॉफिट का एक हिस्सा विच इज एलोकेटेड टू शेयर होल्डर्स डिविडेंड का वो हिस्सा जो डिविडेंड शेयर विच हैज बीन एलोकेटेड टू शेयर होल्डर्स ओके यह इसको दूसरा कहते हैं राइट ऑफ शेयर होल्डर्स इन प्रॉफिट और हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 क्या कहता है Dividend means dividend includes interim dividend. Dividend includes dividends includes interim dividend. तो ये डिविडेंड का मतलब होता है जो कि डिविडेंडम वर्ड से बना है डिविडेंडम का मतलब होता है थिंग्स टू बी डिवाइडेड जो चीजें बांटने वाली हैं डिवाइड होने वाली हैं ओके अब दूसरा इसका मतलब है दैट इज पार्ट या पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एलोकेटेड टू शेयर होल्डर्स और राइट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द प्रॉफिट और कंपनी एक्ट 2013 कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड तो जो इंटरिम डिविडेंड होता है बिना पूरी तरह डिक्लेयर हुए हुए इंटरिम जो डिक्लेयर करते हैं बिना फाइनल बैलेंस शीट के आए हुए दैट इज इंटरिम डिविडेंड अब हमें समझना है ये प्रॉफिट क्या होता है व्हाट इज प्रॉफिट हालांकि हम लोग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालते रहते हैं और प्रॉफिट हम समझते रहते हैं तो प्रॉफिट क्या है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इज सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट का मतलब क्या है सरप्लस ऑफ नॉट कैपिटल इंक्रीज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन यदि कोई कैपिटल एप्रिसिएशन होता है दैट इज नॉट द प्रॉफिट प्रॉफिट मींस सरप्लस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स अब इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को हमें समझना है ये डिविडेंड यदि हम समझ लिए तो अब हम समझते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ द डिविडेंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉफिट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड अब हम समझते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड. ये दो टर्म्स यूज होती हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड. तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट allowed by law to be distributed. Maximum amount of profit allowed by law to be distributed or profit profit available for dividend means क्या? Profit available for distribution after adjusting for past losses depreciation unabsorbed depreciation transfer to reserve and transfer for other purposes. Profit available for distribution and profit available for dividend का मतलब क्या है? कि जो maximum amount of profit allowed by law to be distributed as profit or dividend, profit available for distribution after adjustment for past losses, depreciation on absorbed, transfer to reserve, transfer for other purposes. ये सारा जो है आपका क्या होगा? Profit available for distribution and profit available for dividend. Okay. अब हम आते हैं कंपनी एक्ट 2013 में के डिविडेंड से रिलेटेड प्रोविजंस पे. ओके, तो अब हम आते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू डिविडेंड. तो सेक्शन 123 is about the dividend, or you can say declaration of dividend. So ये section 23, हाँ जी, section 123, 1, 2, 3. तो ये जो है डिविडेंड कहां से हम पे कर सकते हैं? तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर
distributed or declared कहाँ से? From the current year profit after depreciation after schedule second of company Act 2013. तो जो प्रॉफिट आएगा शेड्यूल थर्ड के हिसाब से कब? आफ्टर जो शेड्यूल सेकंड डेप्रिसिएशन है उससे निकालने के बाद. ओके. और प्रीवियस ईयर एक्युमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग करंट ईयर लॉसेज डेप्रिसिएशन करंट ईयर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन और थर्ड इज आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ, यहां दिखाई दे रहा है, इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी इश्यूड. तो डिविडेंड कहां कहां से डिक्लेयर किया जा सकता है? या तो करंट ईयर प्रॉफिट हो, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनी एक्ट 2013. कंपनी एक्ट के अंदर नई शेड्यूल्स आई है, उसमें एक शेड्यूल सेकंड है, उस शेड्यूल सेकंड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. जो पुराना सेक्शन था 349, 350 वो सब डिस्पेंस विद हो गया. अब ये जो नई शेड्यूल आई है, नई शेड्यूल सेकंड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है. और यदि पिछले सालों का आपका प्रॉफिट है एक्युमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो करंट ईयर के लॉसेज डेप्रिसिएशन वगैरह करने के बाद में दैट कैन बी डिक्लेयर्ड. कितना डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या उसके प्रोविजन है, वो अभी हम बताएंगे इसी लेक्चर के अंदर. नेक्स्ट इज आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिविडेंड के लिए मनी प्रोवाइड करते हैं विद रेफरेंस टू एनी गारंटी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ओके. अब क्या है, पुराना एक्ट यदि आपको याद हो, पहले वाले में क्या करना पड़ता था, एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता था कि इतने परसेंट तक यदि हम देंगे, 10% तक देंगे तो डिविडेंड तो हमें कुछ ट्रांसफर नहीं करना, 10 to 20 करेंगे तो इतना कर 10 करना है. अब क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट या कोई अमाउंट एक्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि इतना रिजर्व में ट्रांसफर करना है बिफोर डिक्लेरेशन. अब केवल क्या क्या कहा हुआ है, वाट एवर एप्रोप्रिएट अमाउंट whatever appropriate amount which board of directors thinks
appropriate to transfer to the reserve. Transfer to the reserve. जितनी अमाउंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए पहले तो लिमिट थी, इतना हमें करना ही करना होगा ट्रांसफर, अब कोई लिमिट नहीं है। अब जो ये इसका डिस्कशन किसको दे दिया? डायरेक्टर्स को दे दिया। ओके, तो कोई जितनी अमाउंट वो चाहे उतनी ट्रांसफर करने के बाद, अब जो 10% 20% 30% ये सारी लिमिट जो पुरानी एक्ट में थी, अब वो सब कुछ लिमिट नहीं है। ओके, तो जो भी डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड है दैट कैन बी डन एज पर न्यू एक्ट। ओके, अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है ये पहले भी होता था, अब भी केवल फ्री रिजर्व में से, फ्री रिजर्व्स मीन्स आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए गए हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट बट नॉट इंक्लूड, यानी बट नॉट इंक्लूड क्या होता है, कोई अनरियलाइज्ड गेन, फ्री प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अंदर फ्री रिजर्व क्या नहीं माना जाएगा? अनरियलाइज्ड गेन, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, यानी डिवैल्यूएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। वर्ड वहां पर यूज हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी, लेकिन प्रॉफिट कैसे होगा लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से? उसके वर्ड यूज किया गया और चेंज इन amount of any liability इनकी वजह से यदि कोई प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड केवल जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। अब हम मान लो इस साल हमारा काफी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं, फिर क्या करोगे? वी आर हैविंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बट नॉट दिस ईयर, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बट नॉट, ओके, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यदि हमारा इनसफिशिएंट और नो प्रॉफिट है फिर क्या होगा? बट वी आर हैविंग अभी तो हमारा प्रॉफिट मान लो लॉस है -1 लाख रुपीज का, लेकिन पिछले साल के हमारे 10 लाख रुपए प्लस हमारी डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए की, तो बट वी आर हैविंग फ्री रिजर्व्स, जो प्रॉफिट है
we are having accumulated profit. हमारे पास 10 लाख रुपए का क्या है accumulated profit है. तो इस accumulated profit में से हम total capital हमारी मान लो 10 करोड़ रुपए, year हमारा ये चल रहा है 2016-17, इससे पहले हमने 2015-16 में 8% dividend दिया था, 2014-15 में हमने 6% दिया था, 2013-14 में हमने 7% दिया था. तो टोटल यदि एवरेज हमने डिविडेंड निकाला तो कितना हुआ, 8 + 6 + 7 = 13 यानी 7%. तो हम सबसे पहले तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं, 7%. ओके, अब हमारे पास 10 लाख एक्युमुलेटेड है, इसमें से पहले तो ये करंट इयर्स के ये एडजस्ट किए जाएंगे. तो ये हमने एडजस्ट किए 10 लाख - 3 लाख, तो हमारे कितना हुआ 7 लाख. ओके, हमारी कैपिटल कितनी थी 10 लाख. 10 लाख का 15% हमको रिजर्व में बचा के रखना ही रखना है, तो 1,15,000, इसमें से हमने 1,50,000 हमने रख बचा लिया, 5,50,000. ओके, मान लो ये कैपिटल हमारी होती 40 लाख, 40 लाख होती तो इस पे हमारा कितना हो जाता 15%, 6 लाख. तो 6 लाख हमको बचा के रखना होता, 6 लाख, तो हमारे बचे कितना 1 लाख रुपए. 1 लाख 40 पे 1 लाख कितना हुआ 2.5%. तो हम इनमें से जो भी काम हो ये दे सकते हैं. ओके, अब मान लो ये कैपिटल हमारी मान लो 20 लाख रुपए होती तो ये हमको 3 लाख रुपए बचा के रखना होता, 3 लाख बचा के रखना होता, ये हमारा आया 4 लाख रुपए. तो 20 पे 4 लाख कितना हो गया 20%. तो इसमें से हम क्या दे सकते थे, हम 7% दे सकते थे. तो कुल मिला के क्या नियम है कि जो एवरेज लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उनके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना हमने हमारा प्रॉफिट है एक्युमुलेटेड में से करंट ईयर के लॉस डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट करने के बाद भी हम 15% रिजर्व में फिर भी छोड़ेंगे, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल हमको छोड़ना है, बाकी उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, तो ये जो फ्री रिजर्व है ये डिविडेंड के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, और हम फ्री रिजर्व किसके लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्री रिजर्व किस लिए यूज कर सकते हैं, इस फ्री रिजर्व को फ्री रिजर्व को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. फ्री रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं,
कैपिटलाइज कर सकते हैं फॉर इश्यूइंग बोनस शेयर। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि भाई मान लो हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया ये जो हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, बाद में हमको पता लगा कि भाई ये लॉस है या इनसफिशिएंट प्रोविजन, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो और हमारे पास सरप्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल है, तो वही प्रोविजंस आएंगे आफ्टर एडजस्टिंग लॉस, डेप्रिसिएशन। ओके, एंड 15% ऑफ पीयूसी छोड़ने के बाद ही, अदरवाइज वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ ही हम डिक्लेयर नहीं, बाद में हमको रीएडजस्ट करना होगा। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट। हमारे पर करंट ईयर में प्रॉफिट है, करंट ईयर में प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का, लेकिन पास्ट ईयर के हमारे लॉस चले आ रहे हैं, पास्ट ईयर का 10 लाख रुपए का लॉस है और अनएक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये हम जो 16 लाख रुपए पहले ये एडजस्ट करने के बाद में, ये जो है ना 4 लाख रुपए प्रॉफिट यदि है, तब इस 4 लाख को ही हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा। यानी करंट ईयर्स में से जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसको डिक्लेयर करने से पहले पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के लॉसेज हैं, प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, इन सबको हमें क्या करना होगा, हमें इन सबको राइट ऑफ करना होगा। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट। ये जो प्रोवी जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 43, वो क्या कहता है कि जो भी हमने डिविडेंड, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो भी डिविडेंड जब भी डिक्लेयर किया, तो ये विद इन फाइव डेज ऑफ डिक्लेरेशन हम किसी शेड्यूल्ड बैंक में एक स्पेशल अकाउंट फॉर डिविडेंड खोलेंगे और जो भी डिविडेंड की अमाउंट है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और इसमें से केवल जो भी डिविडेंड दिया जाएगा या तो रजिस्टर्ड
शेयर होल्डर्स को या हिज बैंकर ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, या तो उसको या उसके बैंकर को उसके इंस्ट्रक्शन पर के अलावा किसी और को ये डिविजन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये पुराना सेक्शन, नया तो इसमें है नहीं, ओल्ड सेक्शन 20 1956 एक्ट का कहता था। हालांकि रिलेवेंट सेक्शन इसके अंदर अभी नए एक्ट का नहीं है। ओके, अब इसमें से पैसा दिया कैसे जा सकता है? कैश, चेक और ई मोड। अब एक नया सेक्शन 73-74 के अंदर जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, तो पहले ये नया सेक्शन में नया इंट्रोड्यूस किया कि यदि उसने ए कंपनी फेल टू पे पब्लिक डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, तो जब तक ये पे ना कर दे डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ये पहले पे करना होगा तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ऐसा प्रोविजन पहले नहीं था। पहले जो प्रोविजन था वो प्रोविजन ये था कि रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को यदि रिडीम नहीं कर पाती है तो डिविडेंड जब तक उनको रिडीम नहीं करती तब तक नहीं कर सकती। लेकिन अब जो नया एक्ट है इसके अंदर बेटे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि डिविडेंड तब तक पे नहीं किया जा सकता जब तक कि यदि कोई ओवर ड्यू पब्लिक डिपॉजिट या इंटरेस्ट पे नहीं किया गया या कंपनी फेल्स टू पे पब्लिक डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, अब ये जो है इस अकाउंट में हमने पैसा जमा कर दिया, लेकिन हो सकता है और जब ये किया तो हमने क्या किया, डिविडेंड वारंट इश्यू करके शेयर होल्डर्स के यहां भेज भी दिए, उनको कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 30 दिन के अंदर, हाँ जी, सेक्शन 124 कहता है अबाउट अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड क्या है कि डिस्पाइट शेयर वारंट Sent to registered office, registered address of shareholders, amount remain unpaid, amount of dividend remain unpaid फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए अमाउंट अनपेड रहती है, यानी नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं आता। ठीक है, कोई क्लेम नहीं आता। तो अब क्या करेगी कंपनी, अब कंपनी को क्या करना है यदि अमाउंट अनपेड रहता है, तो कंपनी को क्या करना है कि 7 दिन के अंदर, विद इन सेवन डेज, यानी कुल मिलाकर मान लो 30 अप्रैल
2015 को डिक्लेयर किया, तो 5 मई 2015 तक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया, ये डिक्लेयर किया सेपरेट बैंक अकाउंट, 30 दिन का वो हुए, 4 जून 2015 को हो गए हमारे 30 डेज। तो उसके 7 दिन यानी 11/6/2015 तक यदि यहां इस पीरियड के अंदर अनक्लेम्ड रहा, अनक्लेम्ड 11/6 को ये एक स्पेशल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो अकाउंट है स्पेशल अकाउंट यानी इसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर से कोई भी अप्लाई करके, कंपनी को अप्लाई करके डिविडेंड ले सकता है, और अगर नहीं तो 7 साल तक यानी 11 जून 2022 को ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ग्यारह जून 2022 को ये ट्रांसफर हो जाएगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में, ठीक है। अब ये जो जिस दिन ये 7 डेज में अनपेड ट्रांसफर हुई, इसके 90 डेज के अंदर, हाँ जी, विद इन 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर यानी 11 लास्ट होगी 10/9/2015 तक कंपनी ओन वेबसाइट पर, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इसी तरह की वेबसाइट इस पर्पज के लिए बनाई है, उन दोनों पर नेम ऑफ शेयर होल्डर्स जिनके डिविडेंड है वो उस पर डिक्लेयर की जाएगी, ओके। तो ये बात आपको समझ में आया, हमने एक एग्जाम्पल से समझा। ये मान लो 30 जून 2015 को डिक्लेयर किया है, तो लास्ट डेट है 5/5 तक, ये लास्ट डेट है, और उसके बाद में 30 दिन तक क्लेम कर ले, अनक्लेम्ड रहा तो 7 दिन के अंदर 11/6 को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद में 90 दिन के अंदर वेबसाइट पर और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और कंपनी की वेबसाइट पर उन सबके नाम दिए जाएंगे, और 7 साल के अंदर वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डिविडेंड चला जाएगा। अब ये जो इस वाले एक्ट में एक जो और स्पेसिफिक प्रोविजन आया है वो बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है कि ये जो डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा इवन जो शेयर्स हैं, शेयर्स जो उन लोगों के नाम है जिन्होंने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है,
तो वो शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर, शेयर्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द शेयर्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, शेयर्स भी इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके अब ये जो 7 दिन की रिक्वायरमेंट है, यदि इसमें लेट हो जाता है, यदि कंपनी इसमें लेट होती है तो कंपनी को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जितने भी डिविडेंड होल्डर्स हैं सबको उनके प्रोपोर्शन में पूरे सारी अमाउंट पर 12% देना पड़ेगा, तो रेस्पेक्टिवली सबके अकाउंट्स में वो 12% पर ईयर, तो जितनी दिन देर होगी उतना इंटरेस्ट 12% पर ईयर के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। ओके और ये 7 इयर्स बाद ये अमाउंट प्लस इस पे जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगी सब कुछ कहां तक चला जाएगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोविजन प्रोटेक्शन फंड में, साथ में शेयर्स भी चले जाएंगे। ओके हालांकि बाद में कोई भी अनक्लेम्ड वाला अपनी रीजनिंग दिखा के इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से भी शेयर्स क्लेम कर सकता है, ठीक है, विच कैन बी claimed by unpaid dividend holder, जो शेयर होल्डर है जिसका डिविडेंड अनपेड है वो बाद में इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन से भी क्लेम कर सकता है। ओके हम बताएंगे कंपनीज डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स 2014। जैसा कि आपको पता है कि जनरली जो डिविडेंड है वो हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, ओके और करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाता है। ये जो रूल है ये इस बारे में है कि अगर कंपनी का ड्यूरिंग द ईयर सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है तब भी कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो क्या कंपनी रिजर्व में के जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है यानी रिजर्व है उनमें से डिविडेंड दे सकती है। तो ये रूल्स बताता है कि यस ए कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती, ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या हैं? इनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो देयर शुड बी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है,
उस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में से प्रॉफिट दे सकते हैं, बट इफ डिविडेंड इज पेड इन लास्ट 3 इयर्स और एनी ऑफ 3 इयर्स मान लो ये हम बात कर रहे हैं 2016 की, 2013, 2014 एंड 2015 में मान लो 15% 20% 25% डिविडेंड दिया गया या 0.05 दिया गया, 15 दिया गया या 10, 20, 0 दिया गया या 20, 10, 0 दिया गया और या 0.00 दिया गया। इस केस को छोड़ के इसमें तो एवरेज आएगा ही, यहां पर 60/3, 15/3, 30/3 एंड 30/3 यानी परसेंटेज कितनी आई, 20%, 5%, 10%, 10% यानी डिविडेंड लास्ट ईयर में यहां पे है तो कोई लिमिट नहीं है, ये वाली नो लिमिट। हियर देयर इज अ लिमिट, यू कैन नॉट पे डिविडेंड मोर देन दिस दिस दिस। ओके, तो डिविडेंड पे शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा यदि लास्ट 3 इयर्स में से किसी एक सिंगल इयर्स में भी डिविडेंड दिया गया। ठीक है, कंपनी डिविडेंड दे सकती है लेकिन लास्ट 3 ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, अब थर्ड कंडीशंस क्या है कि जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं उनमें से 1/10 ऑफ रिजर्व्स जितने एक्युमुलेटेड रिजर्व हैं उससे जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम 1/10 अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी ड्रॉन फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए दस पर 1/10 यानी आपके रिजर्व यदि 100 लैक्स है तो आप ओनली 10 लैक्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस 10 लैक्स को भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। इस 10 लैक्स में से सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो करंट ईयर का लॉस है उसको सेटअप करेंगे, उसके बाद में जैसा कि हमने बताया पहले साल 15 फिर 20 और हो सकता है 0 का मतलब उस साल लॉस हुआ हो इसीलिए डिविजन 0 रहा हो या कुछ भी रहा हो, फिर एक्युमुलेटेड लॉस एंड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है। उसके बाद में यदि कोई इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है गवर्नमेंट का, जितना भी डिविडेंड अनपेड होता है, अनपेड डिपॉजिट्स होता है, ये सब एक इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रमोशन फंड में चला जाता है और उस पैसे से
कॉन्फ्रेंसेज होती है, सेमिनार होती है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको शेयर मार्केट के और मनी मार्केट के बारे में, कंपनियों की एक्टिविटीज के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में नॉलेज स्प्रेड करने के लिए खर्च किया जाता है। तो यदि कोई अमाउंट जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जानी चाहिए थी वो नहीं गई हुई है, तो सबसे पहले इस बंद तहत का ठीक है यूज किया जाएगा इन सब कामों के कारण, ठीक है। उसके बाद में यदि जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस बचेगा, इफ बैलेंस इज एक्सीडिंग 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, ओनली देन डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर, ठीक है, अदरवाइज डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर। तो जो बैलेंस 15% है होना चाहिए, क्लियर। तो ये बेसिक मेन पॉइंट है, जो रूल्स आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना कब कैसे और किन कंडीशंस के अंदर कंपनी डिविडेंड दे सकती है आउट ऑफ रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इज